बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अस्लाम साहब यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड एक, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन चाहिए, जिसमें आप चाय वगैरह या दूध वगैरह गर्म करते हैं वो चाहिए एक। तो सबसे पहले आग जला लेते हैं चूल्हे में। आग जलाने के बाद सबसे पहले आपने दूध डालना है। तो तकरीबन हमने 2 लीटर दूध लिया है। अभी दूध को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि दूध हमने चूल्हे पर रख दिया है, तो अभी ये गर्म हो रहा है, तो साथ ही शुगर इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 6 टेबल स्पून। तो अब ये दूध में डाल लेंगे, साथ थोड़ा सा ला देंगे और अभी दूध को अच्छी तरह जब तक उबाल आता है तब तक वेट करेंगे। तो जब तक दूध को उबाल आता है तो हम बाकी चीजें जो है कस्टर्ड के लिए वो तैयार कर लेते हैं। तो अभी हमने लिए थोड़े से बादाम, इनको हल्का सा जो है दरदरा सा पीस लेंगे। दूध में उबाल आ चुका है, अभी थोड़ा सा दूध पैन से निकाल लेंगे, इसमें जो है कस्टर्ड का पाउडर है जो वो मिक्स करने के लिए। तो एक प्याला लिया है, इसमें थोड़ा सा दूध, इसी जो दूध उबाला है इसी दूध से निकालेंगे। अभी ये कस्टर्ड है, कस्टर्ड जो है इस दूध के अंदर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अभी अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे कि इसमें दाने ना रहें, कोई भी दाने जो है कि अच्छी तरह जो है पाउडर दूध के साथ दूध में पाउडर जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी जो पाउडर हमने दूध में मिक्स किया है इसको अभी पैन में जो बाकी दूध है उसके साथ मिक्स कर देंगे। अब हल्का सा इसको हिलाएंगे साथ साथ, ताकि ये एक जगह पे ना रह जाए, इसको अच्छी तरह दूध के साथ अच्छी बाकी जो दूध रह गया उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी जो है कस्टर्ड डालने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इसको चूल्हे पे रखना है, और आग की जो आंच है आपने देख करना है कि ना बहुत ज्यादा तेज हो और ना बहुत ही स्लो हो, और जैसे आप जितना थिक को आप करना चाहते हैं तब तक जो आप कुक करते रहें इसको। तो मेरी अपने हिसाब से अभी तो थोड़ा थिक नहीं। कस्टर्ड जो है हमारा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है, तो अभी आग को बंद कर देंगे और कस्टर्ड को इसी पैन में रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, और उसके बाद बॉल वगैरह में डालेंगे। तो अभी वेट करते हैं इसका थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए, तो फिर बॉल वगैरह में डालते हैं। कस्टर्ड हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अभी इसको बॉल में डालेंगे। तो बॉल में डालने से पहले हमने एक केक लिया, वडीरा केक। केक जो है वडीरा केक कस्टर्ड में बहुत ही मजे का होता है, तो थोड़ा सा केक में भी डाल लेंगे, केक कस्टर्ड के अंदर थोड़ा सा केक भी डाल लेंगे। तो अभी पहले केक थोड़ा सा काट लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी, वैसे बर्थडे मेरी नहीं है। तो अभी केक थोड़ा सा काट के थोड़ा सा केक काट लिया अभी आधा, तो पहले केक डालेंगे थोड़ा सा बोल के अंदर, और अब कस्टर्ड डालेंगे थोड़ा।
मिक्सचर जो है सारा हमने डाल दिया बॉल में, अब जो केक बाकी रह गया था वो उसके ऊपर डाल देंगे। अभी जो बादाम हमने रेडी किए थे उनको ऊपर डाल देंगे। और थोड़ी सी किशमिश जो है वो भी ऊपर डाल लेंगे। कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है, तो अभी प्लेट में डाल के सबको सर्व करते हैं और उनका रिव्यू लेते हैं कैसा बना है। तो ये डालते हैं अभी प्लेट में। तो आइए टेस्ट करते हैं जनाब। हाँ जी श्याम भाई, कैसा बना है? बहुत ही लाजवाब, उम्दा। ऐसा कस्टर्ड मैंने पूरी जिंदगी में एक बार भी नहीं खाया, दूसरी बार खा रहा हूँ। अच्छा भाई बहुत अच्छा था माशाल्लाह।